बिरार में गोवर्धन थाना क्षेत्र के ग्राम बुर्दा में गुरुवार की देर शाम एक मासूम भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। दरअसल बुर्दा में घटिया निर्माण के चलते नव निर्मित गौशाला का गेट धराशायी हो गया। इसके नीचे दबने से एक 12 साल के आदिवासी बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अनुराग पुत्र राम सेवक आदिवासी उम्र 12 साल अपने पिता राम सेवक के साथ 1 साल पहले बनी नव निर्मित गौशाला में गायों की देखभाल के लिए गया था। पिता की गाय सेवा में लगा हुआ था, तभी अचानक खेलते हुए अनुराग आदिवासी गेट के पास पहुंचा। इस दौरान भ्रष्टाचार के चलते घटिया सामग्री से बना गेट भरभराकर बच्चे के ऊपर गिर गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि गौशाला का निर्माण 1 साल पहले किया गया था। इस गौशाला में गायों की देखभाल राम सेवक करता था। गुरुवार की शाम राम सेवक का बेटा उसके साथ चला गया और घटिया निर्माण के चलते हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद परिजन बच्चे को लेकर बैराड अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? धनवंती। आपका बच्चा है? अच्छा, नाती है आपका? तो ये कैसे क्या हुआ पूरा मामला? अच्छा, गेट गिर गया, गौशाला का गेट गिर गया। जो तथीरथ गेट है गौशाला का, वो गिर चुका है। क्या नाम है आपका? राम सेवक। तुझे कौन से गांव की हो? गुड़दा। अच्छा, तुझे क्या घटना हो गई, क्या मामला हो गया? ये गेट वगैरह गिर गया, बच्चे पे गेट गिर गया। किसका बच्चा था? राम सेवक आदिवासी। आपका बच्चा था क्या? बच्चा था। तो काय का गेट गिर गया जी? आगे वाला नहीं, किस चीज का गेट है ये? गेट तो लोग आता नहीं, गौशाला। गौशाला? अच्छा, तो वहाँ आप क्या कर रहे थे? मैं सानी करके बाहर निकलने वाला ही था। बच्चा क्या कर रहा था? मैं बच्चा कुछ नहीं, खेल रहा था, तो गेट से लटक के गेट वही के साथ ही गिर गया। अच्छा, उसी के ऊपर गिर गया गेट? उसी के ऊपर गिर गया। अच्छा, तो बच्चे की अभी क्या क्या स्थिति है जहाँ पे? अस्पताल गड़बड़। अच्छा, एक्सपायर हो गया। हेलो।